सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकराचार्य की कहानी। अभी तक हमने बात की पिछले दो तीन वीडियोस में, उसके आगे तो पूरी शंकराचार्य का जन्म हुआ, उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ली, फिर उन्होंने संन्यास लिया, बहुत सारी कहानियां हमने सुनी। पर लास्ट दो तीन वीडियोस में हमने बात किया, महर्षि वेद व्यास शंकराचार्य को 16 साल और जीवन बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं, उनकी आयुष्य 16 साल और बढ़ा देते हैं, और उनको युगों युगों तक जो शंकराचार्य का ज्ञान है, अद्वैत विचारधारा का, अद्वैत वेदांत की जो नई शाखा उन्होंने प्रस्थापित की, पुनर्निर्माण किया उसका, युगों युगों तक ये ज्ञान रहेगा, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। और ये ज्ञान को अच्छे से इसका प्रचार हो, और भी लोग और भी विचारधाराएं इसके मत के साथ जुड़े, शंकराचार्य का जो अद्वैत सिद्धांत है उसके साथ जुड़े, इसके लिए अलग-अलग विद्वानों के साथ वेद व्यास शास्त्रार्थ करने के लिए बताते हैं और आशीर्वाद देते हैं शंकराचार्य को। और सबसे पहले शंकराचार्य मिलने के लिए जाते हैं कुमारिल भट्ट को। कुमारिल भट्ट जो पूर्व मीमांसा के भट्ट संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्होंने यज्ञ, धर्म, तप, तंत्र ये सब का प्राधान्य, और यही सब सर्वश्रेष्ठ है जीवन में, ये सिद्धांत को उन्होंने सिद्ध किया हुआ था। शंकराचार्य जाते हैं कुमारिल भट्ट को मिलने के लिए। अब कुमारिल भट्ट उसी समय अपना जीवन अंत करने वाले होते हैं। उन्होंने अपनी चिता जलाई हुई थी, चिता में वो बैठ गए थे। कुमारिल भट्ट का आधा शरीर भी जलना शुरू हो चुका था, तब शंकराचार्य वहां पर पहुंचते हैं और उनको सारी अपनी रचनाएं, उन्होंने जो भी ब्रह्म सूत्र, उपनिषद के बारे में जो भी टिप्पणियां लिखी वो सब उनको दिखाते हैं। ये सारी बात हमने पिछले एक दो वीडियो में बात किया। शंकराचार्य तब पूछते हैं कुमारिल भट्ट को कि आप अपने जीवन को इस तरह से अंत करना क्यों चाहते हैं? आपने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण आप ये कुशा की चिता यानी तिनको की चिता पर अपने आप को जीवित ही अपने आप अपना जीवन खत्म करने के पर तुले हैं? ऐसा आपने क्या कृत्य किया है? तब कुमारिल भट्ट उनको बताते हैं कि उन्होंने गुरुद्रोह किया है। गुरुद्रोह यानी गुरु को छल करना, उसको गुरुद्रोह कहा जाता है। तब विस्तार से कुमारिल भट्ट बताते हैं कि जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, तब बुद्ध धर्म का बहुत ही ज्यादा प्रचार हो रहा था। बुद्ध के अनुयायी सबको वेदों के बारे में बहुत ही गलत धारणाएं बता रहे थे, वेदों को नहीं अनुसरने के लिए कह रहे थे, और लोगों को कर्म कांड ये सब जो पूजा विधि ये सब से बहुत ही दूर रहने के लिए उनको प्रेरित कर रहे थे। वेदों की अवगणना करके बुद्ध को अनुसरने के लिए वो उनको प्रेरित कर रहे थे। ऐसे वो बहुत सारे राजा महाराजाओं को सबको ये ऐसी शिक्षा दे रहे थे, और वेदों के बारे में बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता फैला रहे थे। अब ये सब घटनाएं मेरे दिल में बहुत ही पीड़ा उत्पन्न कर रही थी, और उस समय पर ऐसा कोई सामर्थ्यवान था नहीं जो उनका विरोध कर सके। अब वैदिक परंपरा की अवगणना हो रही थी,
अब ये मेरे से देखा नहीं जा रहा था, पर मैं उनके सिद्धांतों को जानता भी नहीं था। मैंने वो क्या समझते हैं, उनका क्या ज्ञान है, उसका ज्ञात मुझे था भी नहीं। मैं पर्याप्त रूप से उनकी शिक्षा नहीं जानता था जिससे मैं उनके सिद्धांतों का विरोध कर सकूं। अगर आपको विरोध करना है तो विरोध के लिए आपको उस विषय की पूरी जानकारी होना जरूरी है, वो मेरे पास नहीं थी। बुद्ध धर्म के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, पर मुझे ये वैदिक परंपरा और वेदों की जो अवगणना हो रही थी उसके लिए कुछ न कुछ तो करना था। एक दिन मैं बुद्ध के मठ में गया, वहां पर मैंने उनके शिष्य होने का बताया और वहां पर मैं रहने लगा। उनकी सारी शिक्षाएं मैंने प्राप्त की, उनके सारे सिद्धांत मैंने अच्छे से समझे। वहां पर मैं शिष्य के रूप में रहता था और अलग अलग जो भी अलग अलग शिष्य थे, जो भी अलग अलग गुरुवर्य थे, उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करता था। बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर मैं विवेचना सुनता था, उनकी शिक्षाएं प्राप्त करता था। एक दिन जब कक्षा चल रही थी, जब वर्ग चल रहा था, तब उनके जो सर्वोच्च गुरु है, जो श्रेष्ठ जो शिक्षक थे, वो हमारा वर्ग ले रहे थे, वो हमें ज्ञान दे रहे थे। तब उन्होंने उनकी बातचीत में, उनकी चर्चा में वेदों के लिए बहुत ही खरी खोटी सुनाई और वेदों के लिए उन्होंने बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया। अब वेदों के बारे में, और वो भी मेरे सामने, अगर कोई वेदों के बारे में ऐसा उच्चारण करता है तो मेरे से कैसे सहन हो सकता है। तब ये सब सुनकर मेरी दोनों आंखों में से अश्रुओं की धारा बहने लगी। मुझे बहुत ही पीड़ा हुई जो वेदों के बारे में अवगणना हो रही थी वो सुनकर। अब मेरी आंखों से जो अश्रु धारा बह रही थी वो मेरे आसपास के थोड़े शिष्यों ने ये देख लिया और उनको उसी समय कोई शंका गई कि ये व्यक्ति कुछ और है, वरना ये सब वेदों के बारे में सुनकर इसकी आंखों में आंसू कैसे आए। उन्होंने खोजबीन की और उनको पता लगा कि मैं कोई बुद्ध धर्म को मानने वाला नहीं हूं, मैं यहां पर उनका ये सब जानने के लिए आया था। तब उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके जो अहिंसा को मानने वाले लोग, जो अहिंसा में ही अहिंसा का ही प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोग मेरा जीवन खत्म करने के लिए मेरा जीवन खत्म करने पर तुल गए। वो मुझे एक बहुत बड़ी चोटी पर ले गए जहां से वो मुझे फेंक देना चाहते थे। वो बहुत बड़ी और बहुत ऊंची चोटी पर से मुझे नीचे गिराकर वो मुझे मार देना चाहते थे। तब चोटी पर पहुंचकर मैंने ये संकल्प लिया कि अगर वेद सत्य है, गुरुओं ने ये सब जो गुरु परंपरा ने ये सब जो ज्ञान दिया है, ये वेदों का जो ज्ञान है, ये अगर सत्य है तो मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा मैंने संकल्प लिया। और उन्होंने मुझे ऊपर से गिरा दिया। मैं गिरा नीचे, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बच गया। ये प्रमाण था कि वेद सत्य है। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए मैंने वेदों की सत्यता पर प्रश्न खड़ा किया और वेदों की सत्यता पर प्रश्न करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मुझे उन्होंने फेंक दिया पर मैं बच गया। वेद सत्य थे, उनकी नियत भी ठीक थी, इसीलिए वो बच गए। पर उनकी एक आंख आंख में इजा हुई, आंख इजाग्रस्त हुई, जिसके कारण उनकी एक आंख से वो देख नहीं सकते थे। इतना ही उनको हानि पहुंचा जो ऊपर से उनको गिराया गया उसके कारण। तब कुमारिल भट्ट कहते हैं कि मेरी ये आंख में क्षति हुई
क्योंकि मैंने मेरे गुरु को छल किया, गुरु से मैंने झूठ बोला। जो भी मुझे सिखाते हैं वहां पर बुद्ध मठ में, मैंने जिससे भी जो कुछ भी सीखा उनके सामने मैंने झूठ बोला और मैंने छल करके वहां पर रहा, तो इस हिसाब से मैंने गुरु द्रोह किया। उसके कारण मेरी एक आंख चली गई। फिर कुमारिल भट्ट बोलते हैं कि भले ही वो अलग शाखा के थे, भले ही वो अलग विचारधारा के थे, पर ज्ञान तो उन्होंने दिया और उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया। भले ही वो अलग विचारधारा से थे पर उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, पर वो ज्ञान मैंने छल से प्राप्त किया। और दूसरा मैंने जो पाप किया, वो दूसरा पाप मैंने वेदों के ऊपर प्रश्न खड़ा किया। मैंने ये संकल्प लिया कि अगर वेद सत्य है तो मैं बच जाऊंगा। इसका मतलब है कि मैंने पूरा मेरा जीवन जिस विचारधारा के लिए दिया, मैंने जिस विचारधारा को जिया, उसके ऊपर मैंने अगर करके यानी इफ लगाकर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा किया। ये मेरा सबसे बड़ा पाप कृत्य है। मैंने पूरा जीवन वेदों के लिए दिया पर मैंने शंका जताई वेदों पर। इसका मतलब है कि मुझे वेदों पर पूरा भरोसा नहीं था, तभी मैंने अगर वेद सत्य है तो मैं बच जाऊंगा ये मैंने संकल्प लिया। भले ही मेरा भाव शुद्ध था पर गुरु को छल मैंने किया, जिसके कारण मेरा जो सारा ज्ञान लिया हुआ था वो सारा ज्ञान निष्फल ही माना जाता है। मैंने जो ज्ञान लिया उसी ज्ञान का उपयोग करके मैंने उस जो बौद्ध सिद्धांत था, उस बौद्ध सिद्धांत को मैंने नष्ट किया, क्योंकि मैंने तो छल से ज्ञान प्राप्त किया था और उसका उपयोग मैंने किया। और जो बुद्ध धर्म का जो सारा ज्ञान था, जो सारे सिद्धांत थे, उसको मैंने नष्ट किए। तो ये मेरा सबसे बड़ा पाप कृत्य था, क्योंकि कुमारिल भट्ट ने बुद्ध धर्म को, बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को काउंटर किया, उसमें क्षतियां बताई और वेदों का और वैदिक परंपरा का फिर से पुनः स्थापन किया, उस समय में जब बौद्ध धर्म एकदम अपनी चरम सीमा पर था। इसीलिए पश्चाताप के रूप में मैं अपने जीवन को अंत करना चाहता हूं, ताकि मेरे ये पाप से मुझे मुक्ति मिल जाए। पर मैं मेरे ये अंत समय में आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। आप मुझे मोक्ष के लिए ज्ञान दे, आप मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं आपकी कृतियों पर वार्तिका नहीं लिख सकता हूं, इसका मुझे बहुत खेद है। अगर आप मुझे थोड़ा सा पहले मिले होते तो मैं जरूर ऐसा संकल्प नहीं लेता, और अब संकल्प लेकर इसको पूरा करना भी जरूरी है। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तब शंकराचार्य कुमारिल भट्ट को कहते हैं, मेरे प्रिय, आप अपने आप को दोषी मत मानिए, आपने बुद्धत्व को मात देने के लिए ही, परास्त करने के लिए ही जन्म लिया है। आपने जगत के कल्याण के लिए ये कृत्य किया है, उसमें आपका निजी स्वार्थ कहीं पर भी नहीं था, इसीलिए आप अपने आप को बिल्कुल ही दोषी मत समझिए। उस समय बुद्धत्व को रोकना बहुत ही आवश्यक था, वरना ये वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाता, ये जो हमारी वैदिक परंपरा है वो लुप्त हो जाती। तब शंकराचार्य कहते हैं कि अगर आप चाहे तो मैं अभी भी आपको बचा सकता हूं, मेरे कमंडल में से जल में अगर छिटक दूंगा तो आप ये आग अपने आप बुझ जाएगी और आपका जीवन बच जाएगा, और आप मेरे जो कृतियां हैं उसके ऊपर आप वार्तिका लिख पाएंगे। क्योंकि शंकराचार्य की बहुत इच्छा थी कि उनकी जो कृतियां हैं
उन्होंने जो टिप्पणियां लिखी है उसके ऊपर कमेंटरी कुमारिल भट्ट करें, उसके ऊपर वार्तिका कुमारिल भट्ट लिखे। तब कुमारिल भट्ट कहते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए शायद ये सही होगा, पर दुनिया कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मैंने प्रण लिया है प्राण को त्यागने का। मैं अगर आप जैसा कहते हैं वैसा करूं तो दुनिया कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि मैंने प्राण त्यागने का प्रण लिया है। और जो व्यक्ति प्राण को त्यागना चाहता है और उसका प्रण लिया हुआ रहता है, उसका संकल्प लिया हुआ रहता है, और अपने संकल्प से जो पीछे हटता है, उसको वेद के बारे में कमेंटरी लिखने का या वार्तिका लिखने का कोई हक नहीं रहता है, उसको वेदों के बारे में कोई भी बातचीत करने का भी हक नहीं रहता है, जो अपने प्रण से वापस जाता है। मेरे इस अंत समय में आप मुझे मोक्ष का ज्ञान दे, आप मुझे मोक्ष के लिए उपदेश दे, ऐसा कुमारिल भट्ट शंकराचार्य को बताते हैं। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि अगर आपने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया तो मेरा ये जन्म लिया हुआ सफल हो जाएगा। और वो कहते हैं आगे कि मैं एक सलाह देना आपको चाहूंगा कि आप वार्तिका लिखने के लिए कह रहे हैं तो आप वार्तिका लिखने के लिए मंडल मिश्र से आप मिलिए। मंडल मिश्र जो बहुत ही प्रखर विद्वान है, और कहते हैं मंडल मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य भी थे। कुमारिल भट्ट बताते हैं कि मंडल मिश्र पूर्व मीमांसा के बहुत ही ज्ञानी है, और अगर आप शास्त्रार्थ में उनको पराजित कर पाए तो वो जरूर आपके आपकी कृतियों पर वार्तिका लिखेंगे। पर साथ में कुमारिल भट्ट कहते हैं कि आप जब उनके साथ शास्त्रार्थ करें तब मध्यस्थी के रूप में, न्यायाधीश के रूप में उनकी पत्नी को जरूर रखिएगा, क्योंकि उनकी पत्नी, भले ही वो नहीं जानते हो, उनकी पत्नी सरस्वती का पूर्व जन्म है, तो आप जरूर न्यायपाल के रूप में आप उनकी पत्नी को उस शास्त्रार्थ में रखिएगा। कहते हैं कि अगर आप मंडन मिश्र ने शास्त्रार्थ में मात दे दी तो इसका मतलब है कि ये यज्ञ, सारा मंत्र, तप, जप, ये सब मानने वाला जो पूरा एक वर्ग है, विद्वानों का एक पूरा वर्ग है, वो सारे विद्वानों को आपने आपके साथ ले लिया। अगर आप मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में परास्त कर सके तो मंडन मिश्र के शास्त्रों में परास्त होने के मंडन मिश्र के आपके साथ शास्त्रार्थ में परास्त होने के बाद ज्ञानियों का बहुत बड़ा वर्तुल, बहुत बड़ा वर्ग आपके साथ जुड़ जाएगा, और शास्त्रार्थ में आप जब मंडन मिश्र को हरा दे तब आप उनको अपना शिष्य बना लेना। अगर मंडन मिश्र को आपने अपने साथ ले लिया तो आपका ये अद्वैत वेदांत दर्शन सिद्धांत जो है वो प्रस्थापित हो जाएगा। पर ये करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि मंडन मिश्र एक गृहस्थी है और उनको बहुत ही नफरत है सन्यासियों से, तो बोलते हैं आप कि ये कैसे करेंगे। पर ये अगर आपने कर लिया तो आपका बहुत बड़ा काम अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद इतना सुनकर कुमारिल भट्ट से शंकराचार्य कुमारिल भट्ट को ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, और कहते हैं कि कुमारिल भट्ट मुक्त हो गए, उनका मोक्ष हो गया, क्योंकि शंकराचार्य की उपस्थिति में उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो अब आगे सुनते हैं कैसे शंकराचार्य पहुंचते हैं मंडन मिश्र को मिलने के लिए। मंडन मिश्र यानी शंकराचार्य के दूसरे शिष्य, तो इसके लिए बहुत सुंदर कहानी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे वो मंडन मिश्र को मिलते हैं और उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं।
तो आगे नेक्स्ट वीडियो में ये सारी बात करेंगे। आप जरूर सुनना शंकराचार्य की कथा और आगे के सारे वीडियोस भी मेरी चैनल पर डाले हुए हैं। आप जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ये वीडियो जितने अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको ये शेयर करिए, क्योंकि शंकराचार्य के बारे में शायद हमने नाम सुना होगा, कहीं कहीं कृतियां उनकी पढ़ी होगी, पर इतना विस्तार से शायद ही हम इनके बारे में जानते हैं। और हिंदू सनातन धर्म को अगर समझना है तो शंकराचार्य को समझ लेना पर्याप्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।